हिंदी सिनेमा में राजा बाबू, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन जैसी फिल्मों को किसने पसंद नहीं किया होगा। गुदगुदाते डायलॉग्स ने हमें हंसाया भी बहुत और फिल्म के साथ जोड़ा भी रखा। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए नजर डालते हैं भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्देशक डेविड धवन के फिल्मी सफर पर। डेविड धवन का जन्म 16 अगस्त 1955 को जलंधर में हुआ था, पर वो बड़े हुए थे कानपुर में, क्योंकि उनके पिताजी वहां पर एक बैंक के मैनेजर थे, इसीलिए उनके परिवार के साथ उनको कानपुर जाना पड़ा। डेविड धवन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्रिस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से संपन्न की। उसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संपन्न किया। डेविड धवन की शादी करुणा धवन से हुई। उनके दो बच्चे हैं, रोहित धवन और वरुण धवन। रोहित धवन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक हैं, जबकि उनके छोटे बेटे वरुण धवन हिंदी सिनेमा में मशहूर फिल्म अभिनेता हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पास आउट होने के बाद डेविड धवन ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, लेकिन वो एक्टिंग में अपना कुछ खास दम नहीं दिखा सके और उन्होंने एक्टिंग छोड़ निर्देशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई, जहां वो पूरी तरह से सफल निर्देशक साबित हुए। उन्होंने फिल्म ताकतवर से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में गोविंदा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। अपनी पहली ही फिल्म से डेविड धवन बड़े पर्दे पर छा गए। हर कोई उनके निर्देशन और फिल्मों की तारीफ करने लगा। इसके बाद डेविड धवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा में कई पारिवारिक कॉमेडी फिल्में दर्शकों को दी, जिन्हें दर्शकों द्वारा खुले दिल से स्वीकार किया गया। उन्होंने अब तक हिंदी सिनेमा में लीडिंग स्टार्स को लेकर कॉमिक फिल्में निर्देशित की हैं। उनकी सबसे बड़ी हिट अब तक की दो फिल्में रही आंखें और पार्टनर। डेविड धवन ने हिंदी फिल्म अभिनेता गोविंदा के साथ हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा 17 सुपरहिट फिल्में की हैं, जिनमें ताकतवर, शोला और सबनम, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, बड़े मियां छोटे मियां, एक और 11, पार्टनर, डू नॉट डिस्टर्ब जैसी फिल्में शामिल हैं और उनकी सभी फिल्में बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। उन्होंने बतौर लेखक 2017 में फिल्म पार्टनर की थी। वैसे तो उनकी हर एक फिल्म बहुत पसंद की जाने वाली होती है, पर बतौर निर्देशक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में हैं शादी नंबर वन, मैंने प्यार क्यों किया, मुझसे शादी करोगी, एक और 11, चोर मचाए शोर, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जोड़ी नंबर वन, दुल्हन हम ले जाएंगे, हसीना मान जाएगी, बड़े मियां छोटे मियां, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, हीरो नंबर वन, बनारसी बाबू, जुड़वा, साजन चले ससुराल, कूली नंबर वन, बोल राधा बोल और बनारसी बाबू। डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ जुड़वा 2 बनाई। इस फिल्म में सलमान खान भी एक कैमियो में दिखे थे। 1995 में आई फिल्म कूली नंबर वन को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था, इसीलिए डेविड ने निर्णय लिया इस फिल्म को नए तरीके से दर्शकों के बीच फिर से लेकर आने का, और इस तरह उन्होंने अपने बेटे वरुण धवन को फिल्म में मुख्य किरदार निभाने का मौका दिया। फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आशा करते हैं कि जैसे दर्शक उनकी फिल्मों को पसंद करते आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे और डेविड धवन अपने निर्देशन को दर्शकों के बीच यूं ही बनाए रखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर फिल्मी दुनिया के किसी महान कलाकार के सफर के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।